मित्राणी, मैं आज आपसे बात करने के लिए उपस्थित हूं कि हमें संस्कृत क्यों पढ़नी चाहिए। संस्कृत में जो नीति की बातें हैं, विदुर नीति जैसा ग्रंथ है, नीति शतक जैसा ग्रंथ है, चाणक्य नीति जैसे ग्रंथ हैं, और इनमें जिंदगी की बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपको मिलती हैं। मैं आज आपको एक श्लोक सुनाऊंगा, उसका अर्थ बताऊंगा। यदि आप चाणक्य नीति पढ़े होते तो चाणक्य नीति पढ़ेंगे, यदि आप संस्कृत पढ़े होते तो चाणक्य नीति पढ़ते, और चाणक्य नीति पढ़ते तो आप ये श्लोक पढ़ते, और ये श्लोक पढ़ते तो ये आपके सीधे स्वास्थ्य से जुड़ा है, जीवन से जुड़ा है, जिंदगी से जुड़ा है। तो संस्कृत में बहुत सारी सूक्तियां ऐसी होती हैं जो आपकी जिंदगी को संवार देंगी, जो आपके जीवन में एक ऐसी घटना से बचा लेंगी जो आप शायद अनजाने में करते रहेंगे। पानी का कितना महत्व है आपके जीवन में, यह चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में कहते हैं कि अजीर्णे भेषजम वारी, वारी माने पानी, अजीर्णे भेषजम वारी, जीर्णे वारी बल प्रदम, भोजने चामृतम वारी, भोजनांते विषम भवेत। पानी कैसे पिए, कितना पिए, कब पिए, और पानी का क्या महत्व है आपके जीवन में। कहते हैं अजीर्णे भेषजम वारी, यदि अजीर्ण हो जाए, अपच हो जाए, कब्ज हो जाए, तो देखिए विज्ञान कहता है, डॉक्टर कहता है कि सुबह उठिए तो 3 गिलास पानी पीजिए, जिसको उषा पान कहते हैं। यदि आप पानी पीते हैं तो पुरानी से पुरानी कब्ज में आपको मदद मिलेगी, कब्ज नहीं होगी, कब्जियत नहीं होगी, पेट साफ होगा। तो अजीर्णे भेषजम वारी, यदि अजीर्ण हो रहा है तो पानी पीना चाहिए। अजीर्ण में पानी आपके लिए औषधि, भेषज माने औषधि है। प्रैक्टिकली देख लीजिए, जब आपको बहुत दस्त होता है तो डॉक्टर आपको ग्लूकोज चढ़ाता है, नहीं, आपको ग्लूकोज घोल घोल करके पीते रहना चाहिए ताकि डिहाइड्रेशन ना हो, ऐसा डॉक्टर कहता है। तो अजीर्ण भेषजम वारी समझ में आ गया, अजीर्ण हो जाए तो वारी क्या है, औषधि है, वारी माने जल, जल औषधि है। और जीर्ण वारी बल प्रदम, यदि भोजन सुपाच्य है, पच गया हो, भोजन के पच जाने के बाद यदि आप पानी पीते हैं तो वह पानी आपके बल को बढ़ाने वाला होता है। पानी में ताकत होती है, पानी में ऊर्जा होती है, पानी में एनर्जी होती है, आप ताकतवर फील करते हैं। देखिए जब आप प्यासे होते हैं तो आपका चलना, उठना, बैठना, सोना कुछ भी नहीं हो पाता, पानी पी लेते हैं, थोड़ी ताजगी महसूस करते हैं, एनर्जी महसूस करते हैं। चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में कहते हैं भैया जीर्णे वारी बल प्रदम, इसलिए मैं कहता हूं संस्कृत पढ़ते रहिए, इस प्रकार की सूक्तियां आपको जिंदगी में जीने के लिए महत्वपूर्ण होगी। पानी कब पिए, बोले यदि आपका अजीर्ण हो रहा हो, कब्ज हो रहा है, तो सुबह सुबह उठ करके पानी पिए, क्योंकि अजीर्णे भेषजम वारी। और आपका खाना पच गया हो, आपने भोजन कर लिया है, भोजन के 1-2 घंटे बाद पानी पीजिए, आपकी ताकत बढ़ेगी, भोजने वारी बल प्रदम। और कहा भोजने चा अमृतम वारी, भोजन के बीच बीच में एक आध कुल्ला पानी पी लेना, घूंट 2 घूंट पानी पी लेना, मान लो अटक गया है या कुछ तीखा चीज आपने खा लिया है तो घूंट 2 घूंट पानी पी लीजिए, अमृत के समान वो पानी आपके शरीर में लगेगा। लेकिन भोजनांते विषम भवेत, लाइन लिख लीजिए, आपके लिए काम देगी, भोजनांते विषम भवेत, भोजन के अंत में जो लोग ठंडा पानी पी लेते हैं, घूंट 2 घूंट नहीं, गिलास 2 गिलास, 4 गिलास, लोटा का लोटा पानी लोग हांच देते हैं, पी लेते हैं, आपके लिए विष के समान होगा, क्योंकि जो आपने अन्न खाया है, जो दाना खाया है, जो भोजन लिया है, वो पचेगा नहीं। इसलिए भोजन पच जाए, भोजन के पचने के बाद आप लेते हैं तो वह पानी आपको बल बढ़ाने वाला होगा। यदि अजीर्ण हो गया है, आपको अजीर्ण हो गया है, कब्ज हो गई है, तो पानी आप पीजिए, आपके लिए वो औषधि के समान होगा। और भोजन के बीच बीच में थोड़ा घूंट 2 घूंट पानी पीना आपके लिए अमृत के समान होगा। लेकिन भोजन के तुरंत बाद ठंडा पानी पीना आपके लिए जहर के समान होगा। तो जो लोग भी भोजन के तुरंत बाद पानी पी रहे हो, आज के बाद कभी मत पीजिएगा, मतलब आपका भोजन नहीं पचेगा तो भोजन सड़ेगा, भोजन में गंदगी फैलेगी, और भोजन पचेगा नहीं तो कब्ज होगी, आप बीमार होंगे, आप मरेंगे, विष जैसा असर होगा। यदि आप भोजन के तुरंत बाद ठंडा जल पिएंगे तो आपके लिए वो जहर के समान जल होगा। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, हम प्रतिदिन इस वीडियो में आपको कभी कभी चाणक्य नीति से, विदुर नीति से, नीति शतक से, वैराग्य शतक से, ऐसे संस्कृत की उन सूक्तियों को बताएंगे जो आपके जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण होगा। मित्रों आज के लिए इतना ही, हम फिर नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्ते संस्कृत।